मैं जेजे, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सिल्वर माइंड। आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसका उपयोग करके आपका जो एलोवेरा प्लांट है वो 3 दिन के अंदर हरा भरा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा जो एलोवेरा प्लांट है वो बिल्कुल अभी रूखा सूखा है और ब्राउन कलर का हो चुका है। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, मैं आपको इस वीडियो में ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके उपयोग करके आपका जो एलोवेरा प्लांट है वो बिल्कुल हरा भरा और अट्रैक्टिव हो जाएगा, आपको बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, इसकी जो लीफ है वो बिल्कुल पीली पड़ चुकी है, ये बेजान नजर आ रही है। इसमें लगता है इसके अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे जो आपका एलोवेरा प्लांट है वो बहुत खतरनाक दिखाई देगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस ये वीडियो देखिए और जानकारी लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है हमारा एलोवेरा का 2nd दिन का ब्रेड। ये 2nd दिन में ही इतना हरा भरा हो चुका है। हमारा जो दूसरा एलोवेरा है इसको भी देखते हैं, ये भी काफी अच्छी से ग्रोथ कर रहा है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अभी थोड़ा ब्राउन है, लेकिन जब आप इसका तीसरा प्लेट देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है हमारा 3rd दिन का अपडेट। 3rd दिन के अपडेट में हमारा जो एलोवेरा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इसकी जो लीफ है पहले ब्राउन कलर की थी, वो अब बिल्कुल ग्रीन कलर की हो चुकी है, और ये एलोवेरा भी बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रीन यानी हरा भरा हो चुका है। आप चाहे तो इसमें डीएपी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि डीएपी आप ना ही डालें, क्योंकि ये एक औषधीय प्लांट है, इनको हम दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो कृपया करके इसमें कोई भी फर्टिलाइजर या फिर केमिकल ना डालें। हाँ, हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो आपको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।